आप बोलो। अच्छे दोस्त को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? हाँ, अच्छे दोस्त को कैसे डिफाइन किया बुरा जा दोस्त होता ही नहीं है, दोस्त अच्छा हुई है। दूसरे दोस्त की अच्छाइयों का जिक्र करने वाला। एक आदमी ने पूछा, बताया दूसरे को, कहता है जिंदगी में मुझे अच्छा दोस्त नहीं मिला। वो पास बैठे वो सुनने वाले कहता है गधा, तू किसी का दोस्त था ही नहीं, कि दोस्त तुझे नहीं मिला तो तू दोस्त नहीं है किसी का। कि सवाल यह है कि दोस्त तुमने अच्छा दोस्त बनना है, और दूसरे को अच्छा दोस्त तलाश करने की कोशिश नहीं करो, तुम अच्छा ही करो। अच्छा दोस्त कौन होता है? मैं। अच्छा दोस्त कौन होता है? मैं। तू नहीं होता? मैं। वो नहीं होता? मैं। तो अच्छे दोस्त का नाम क्या है? मैं। किसके साथ? तू के साथ भाई, यही अच्छा ही। तो अच्छा दोस्त जो है उसका नाम हमेशा मैं ही होता है। अगर मैं अच्छा दोस्त नहीं है तो तू कहां से अच्छा होगा? इसलिए अच्छे दोस्त की खूबी तलाश करने का मतलब यह है कि तुमने अगर वफा की है उसी के साथ, तो वो 1000 बेवफा निकला है, तुमने वफा की है, अच्छा दोस्त है, वो भी अच्छा है। आमतौर पर अच्छे महबूब वही होते हैं जो तुम्हें फिराक से गुजार जाए। आमतौर पर हीर वही अच्छी जो राजे को फिराक से गुजारते गुजारते अदब के विसाल में ले जाए। मकसद ये कि राजा जो वो जाके पहुंच गया, अलामत बन गया, बल्कि रूहानी अलामत बन गया जी। मतलब ये कि हीर ने जुल्म किया, जुल्म नहीं किया, हैरान कर दिया उसको, ऐसे मकाम तक पहुंचा दिया जिस मकाम पर बारह शाह जैसे लोग जो है ना उसके मोतरफ हो गए रांझे के। तो ये एक मकाम होता है। अच्छा दोस्त जो है वही होता है जो आप फैसला करें कि मैंने दोस्ती करनी है। इसमें जुदाई या विसाल की बात नहीं होती। अगर तुम अच्छे दोस्त हो तो दोस्त के बारे में जो बुजुर्ग लोग कहते हैं, हम कहते ही हैं कि फ्यू फ्रेंड द वेस्ट, किसी को याद है तो आगे बताओ, एंड देयर अडॉप्शन ट्राइड, चंद दोस्त रखो, कम दोस्त रखो, अडॉप्शन उनकी ट्राई कर लो। हर आने जाने वाले को दोस्त ना कहो। वंस किसी को दोस्त कह दिया तो फिर जिंदगी भर निभाओ। तो दोस्त को दोस्त कहने के बाद उसकी खूबियां तलाश करने वाला आदमी जो है ना, अब फिर ये मुझ उठा होता। तो दोस्ती का लफ्ज कहने के बाद फिर इसको निभाया जाता है वफा को। तो दोस्त वही होता है। ये वो भी नहीं तो जो मुसीबत में काम आए, वो भी नहीं जो काम ना आए। दोस्त बाहर आपके मन की इच्छा है, दोस्त है। आपने दोस्त कह दिया पस वो दोस्त है। आगे की सिफत की बात नहीं है कि सिफत सबसे बड़ी क्या है दोस्त की, कि तुमने उसे दोस्त कह दिया, आप उसकी दोस्ती दे पाओ। दोस्त कहने से पहले तहकीक कर लो, गौर कर लो कि हिंदू है, काफर है, मुसलमान है, कौन है, शिया है, सुन्नी है, इधर है, उधर है, कौन क्या। लेकिन जब दोस्त कह दिया तो फिर जिंदगी भर दिखाओ। ये है दोस्त का। कुछ लोग मजदूर कहते हैं दो सत, दो सच्चे दोस्त, जात के होने सच, दो सच्चे इकट्ठे हो जाते दोस्त बन जाते। इसलिए अच्छी बात है, आप उसकी गरीबी को दूर करते रहोगे। तो दोस्त हर हाल में तलवार हो तभी तो वफा करो गर्दन के साथ। पर ये है दोस्त की खूबी, क्या दोस्त जो है उसकी सदाकत जो है, अगर वो दोस्त तलवार है तो उसकी सदाकत क्या है, तुम्हारे पास गर्दन होनी चाहिए। बस इतना है दोस्त की खूबी। दोस्त के बारे में बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी है। दोस्ती जो है आपका नाम है, आप वफा कर जाओ उसके साथ, बस सोचा करो। जिसको दिल ने कबूल कर लिया फिर उसके बाद क्या हो रहा है मुश्वरे रह गया। अगर दिल ना कबूल करे तो चाहे 1000 शफात वाला हो फिर आपने क्या करना है। दिल ही नहीं कबूल करता कि वो बड़ी खूबियों वाला आदमी है, कहता मेरा दिल नहीं मानता। उसमें कोई खूबी नहीं है, कहता मेरा दिल मानता है। कहां का एक काम तो अपने दिल का कर जाओ। गलत आदमी के साथ भी अच्छाई कर जाओ।